कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं परम भूभृतं ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धं सत्ता स्वरूप ग्रंथ है। सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और वस्तु स्वरूप की सत्ता को सिद्ध करते हुए हम आप लोगों के चित्त में सर्वज्ञता के प्रति, वस्तु स्वभाव के प्रति आस्तिक्यता के संस्कारों को दृढ़ करने के लिए यह सारा जद्दोजहद और सारे प्रयत्न चल रहे हैं। आज हम आप लोग विषय आगे बढ़ाएंगे सत्ता स्वरूप प्रकरण के अंतर्गत। अपना विषय चल रहा था सामने वाले जिज्ञासु की तरफ से पंडित बागचंद जी साहब ने एक प्रश्न किया कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं और वे ही देव हैं, वीतरागी हैं और वे ही परिपूर्ण ज्ञानी हैं, ये आप कैसे कह सकते? मतलब एक बात तो सिद्ध है कि उस सामने वाले के प्रश्न में एक बात की स्वीकारोक्ति तो जरूर है कि वह सर्वज्ञता को मान रहा है, परिपूर्ण सर्वज्ञता को तो वो स्वीकार कर रहा है। मतलब सामान्य सर्वज्ञ को तो वो मान रहा है, सर्वज्ञता की सिद्धि तो उसे स्वीकृत है, लेकिन वह सर्वज्ञता आपके अरहंत में ही कैसे? ये आप्तमीमांसा आदि ग्रंथों में इसे विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहा जाता है। मतलब इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्म साक्षात्कार पूर्वक जानने वाली कोई शक्ति और सामर्थ्य है, मतलब केवल ज्ञान है, इस सत्ता को सिद्ध करना उसे सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कहते हैं न्याय के ग्रंथों में। ये जयपुर बोर्ड में बाकायदा 100-100 मार्क्स के पेपर आते हैं, उसमें ये सर्वज्ञ सिद्धि वाला तो ज्वलंत प्रश्न होता है। तो क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव से परे ऐसा कोई दिव्य ज्ञान है? पहले तो जगत के जीव कोई ऐसा मानते ही नहीं है, क्योंकि या तो इंद्रियों की मदद से या तो मन की सहायता से जाने वह ज्ञान, ऐसी ही मान्यता लगभग सबकी बनी हुई है। ये विषय तो और आगे आएगा, खुल के आएगा, अभी तो केवल मैं आपको संकेत कर रहा हूं। यहां ये बात आई थी कि ऐसी सर्वज्ञता को तो वह स्वीकार कर रहा है, ऐसे केवल ज्ञान की तो उसे स्वीकृति है, लेकिन तुम्हारे अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हो, परिपूर्ण ज्ञानी हो, ये तुम कैसे कह सकते? तो ये अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, अरहंत के अलावा कोई और सर्वज्ञ है ही नहीं, इसके लिए कई कारिकाएं, कई तर्क न्याय आदि दे करके विशेष सर्वज्ञ की सिद्धि न्याय के ग्रंथों में की गई। बस ये दो बातें हैं
सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, इन न्याय का, प्योर न्याय का विषय है। आप इसको बहुत गंभीरता से सुनना और भविष्य में इस सत्ता स्वरूप के आगे के प्रकरण में भी ये प्रमेय बहुत काम आए। एक तो सर्व सामान्य संसारी जीवों का अनुभव कैसा है कि हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से बोलते हैं, नाक से सूंघते हैं, छू करके स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी ज्ञान होता है। तो इंद्रियों की ही प्रवृत्ति है ना, और इंद्रिय प्रवृत्तियों में ही ज्ञान, इनको तो आयुर्वेद आदि ग्रंथों में तो ज्ञानेन्द्रिय भी कहते हैं। क्या कहा मैंने, इनको कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। थोड़ा सा देखो सुनना, आप बहुत मार्मिक बात है कि पांच इंद्रियों के लिए आयुर्वेद में दो शब्द आते हैं। आयुर्वेद, जो आयुर्वेद मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है उसमें दो शब्द आते हैं, एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय से मतलब खाना पीना सूंघना देखना सुनना बोलना, ये अलग 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 कर्म मतलब कार्य ये इंद्रियां करती हैं, इसलिए इन इंद्रियों को कर्मेंद्रिय कहते हैं। और साथ साथ में ज्ञान का भी काम करते हैं, जैसे सूंघने रूप जो ज्ञान है, देखने रूप जो ज्ञान है, सुनने रूप जो ज्ञान है, तत्संबंधी ज्ञान। तो हर इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय विषयों से संबंधित ज्ञान भी करती हैं, कार्य करती हैं पांच इंद्रियों के विषयों से संबंधित, इसलिए उन्हें कर्मेंद्रिय कहते हैं, और ज्ञान भी करती हैं इसलिए उनको ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। बस वहां उन मत मतांतरों की वहां चर्चा पूरी हो जाती है। शरीर संबंधी वहां मर्यादा उन जीवों की सोच विचार की शक्ति वहां पूरी हो जाती। अब इसके आगे तो जैन दर्शन प्रारंभ होता है, कहते हैं कि ये जो पांच रचनाएं हैं ये तो सब द्रव्येंद्रिय हैं। द्रव्येंद्रिय समय सार 31वीं का द्रव्येंद्रिय है, और ये जो द्रव्येंद्रिया तत्संबंधी ये विशेष संबंधी क्षयोपशम ज्ञान को प्रवृत्त करने में निमित्त भूत होती है। मतलब प्रवृत्ति तो करती है भावेंद्रिय रूप ज्ञान, लेकिन भावेंद्रिय के लिए बाह्य में ये रचना रूप और साधन रूप निमित्त है, इसलिए द्रव्येंद्रिय ये बाहर जो दिखती है ये, और तत्संबंधी जो अंदर में ज्ञान है उसको बोलते हैं भावेंद्रिय। बराबर, एक हो गया द्रव्येंद्रिय, मतलब ये द्रव्येंद्रिय की जो स्थूल रचना है। दूसरा हो गया तत्संबंधी क्षयोपशम ज्ञान, उसको बोलते हैं ज्ञान, उसको बोलते हैं भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय। अब तीसरी बात, जिस आत्मा में, सॉरी द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय हो गया, अब तीसरा एक शब्द आता है शास्त्रों में अनिंद्रिय। जैसे इनको इंद्रिय कहा, आंख कान वगैरह इनको इंद्रिय कहा, इसके अलावा जो मन है मन के लिए कहा जाता है अनिंद्रिय। अनिंद्रिय मतलब जो इंद्रिय तो नहीं है लेकिन है तो बाह्य संयोग, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहते हैं। कितने शब्द हो गए अपने शास्त्रों में आते हैं, वैसे तीन हो गए ना, कौन कौन से, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और अनिंद्रिय। ठीक है, अब चौथी गजब की बात, जिसमें न इंद्रिया द्रव्येंद्रिया है, जिसमें न क्षयोपशम ज्ञान रूप भावेंद्रिय है, जिसमें न मन अनिंद्रिय है, ऐसा भगवान आत्मा अतिंद्रिय है। गहराई समझ में आ रही है आप लोगों को, कितना स्टेप बाय स्टेप, एक एक बातें समझने जैसी। ऐसी कई चर्चा यहाँ सत्ता स्वरूप के प्रकरण में आगे आएगी।
मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था, जैन गुरुकुल में पढ़ता था, तो हमारे जितने भी गुरुजी थे वो सारे के सारे गुरुजी मास्टर डिग्री करने के बाद न्याय तीर्थ हुए थे। न्याय तीर्थ एक डिग्री थी, न्याय तीर्थ, जैसे विशारद अलंकार ये डिग्रियां होती हैं, न्याय तीर्थ। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि 8th 9th क्लास में जब मैं था तब तो उनके नाम पढ़ता था, नाम के आगे वो डिग्री लिखी रहती थी न्याय तीर्थ, MA न्याय तीर्थ। तो मैं सोचता था मैं भी बड़ा बनू होऊंगा तो न्याय तीर्थ करूंगा। लेकिन जब जयपुर में न्याय के हर साल परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, ये सब न्याय के ग्रंथ पढ़ने पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, तो विद्वानों के मुख से ये बात सहज जानने में आई, न्याय तीर्थ में यही तो पढ़ाए जाते हैं न्याय के ग्रंथ। भले ही कोई विशिष्ट उसकी डिग्री ना लेवे, लेकिन न्याय की पढ़ाई तो हो ही रही ना 7-8 साल के लिए। तब फिर वो दिमाग में से निकाल दिया। तो देखिए न्याय है ये, जैन न्याय। अन्य मत में, आयुर्वेद में दो बातें आती थी, मैंने वो आपसे कही, इन 5 इंद्रियों को ही कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय रूपी कार्य भी वो करती हैं और जानने का भी काम करती। अपने जैनाचार्य, जैन न्याय ग्रंथों में, जैन अध्यात्म ग्रंथों में इंद्रियों से संबंधित 4 बातें आती। एक, बाहर में जो आंख नाक जीभ कान और सर्वांग में जो स्पर्शनेन्द्रिय, ये बाहर की जो संरचना है, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्, ये निर्वृत्ति और उपकरण रूप जो रचना है ये तो द्रव्येंद्रिय जड़ है, औद्गलिक। और इन इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, ज्ञान का जो प्रवाह बहता है, उसे कहते हैं भावेंद्रिय। क्षयोपशम ज्ञान को भावेंद्रिय कहते हैं। जैसे जानने रूप ज्ञान है, देखने रूप ज्ञान है, सुनने रूप ज्ञान है। बाहर में तो अलग अलग है, ये सुनने का काम कान ही करेंगे, नाक नहीं करेगी, सूंघने का काम नाक ही करेगी, कान नहीं करेंगे, देखने का काम आंख ही करेगी, रस चखने का काम नहीं करेगी, और रस चखने का काम जिह्वा ही करेगी, नाक आंख और कान नहीं करेंगे। छूने का, स्पर्श का ज्ञान स्पर्शनेन्द्रिय करेंगी, बाकी की 4 इंद्रियां नहीं करेंगी। मतलब देखो हर एक इंद्रिय संरचना तत्संबंधी कार्य का प्रवाह होना, कौन सी प्रवृत्ति को विशिष्ट को जानने की प्रवृत्ति में प्रवृत्त होना यह निश्चित है, ये द्रव्येंद्रिय की मर्यादा। लेकिन 5 इंद्रियों संबंधी जानन रूप जो अंदर में है वो ओरिजिनल तो ज्ञानी है, उसको तत्संबंधी क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। समझ गए आप लोग, उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, उसे क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। ये बहुत मार्मिक में चर्चा कर रहा हूं, ये बिल्कुल आप जरा भी ध्यान इधर उधर करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ध्यान एकाग्र करके सुनना आप लोग। हाँ, और नहीं समझ में आए स्वाध्याय तो बाद में दोबारा सुन, तीसरी बार सुनना तो ही दिमाग में घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। हाँ, बहुत मनोयोग पूर्वक बहुत समर्पणता से इस विषय को समझने जैसा है, यह विषय समझने जैसा है। तो द्रव्येंद्रिय बाहर की रचना, जो शरीर के अंग विशेष चिन्ह विशेष को इंद्रियां कहते हैं, ये तो बाल बोध पाठमाला में भी ये परिभाषा आती है। तो तत्संबंधी जो जानन रूप जो ज्ञान है वो तो ज्ञान तो एक ही है, जैसे स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी ज्ञान, चक्षुरेन्द्रिय संबंधी ज्ञान, समझ गए आप लोग। तो भावेंद्रिय रूप ज्ञान वो तो एक ही है। अब तीसरी बात, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के बाद एक होता है अनिंद्रिय। अनिंद्रिय का अर्थ होता है मन। शू करो जो तुम्हें, एक होता है अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का अर्थ होता है मन।
समझ गए आप? अनिंद्रिय मतलब अन मतलब नहीं, इंद्रिय मन नहीं है, बस अनिंद्रिय मतलब मन, बराबर। तीन बातें हो गई, द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय, अनिंद्रिय, तीन हो गए। अब चौथी बात, अतिंद्रिय। अतिंद्रिय का अर्थ क्या है पहले आप सोचना। अब आप लोग जो जो भी सोचते हैं आप अपने हिसाब से सोचना क्या है अतिंद्रिय का अर्थ, अपन क्या समझते हैं अतिंद्रिय का अर्थ होता है जो इंद्रिय और मन इनसे जो नहीं जाने, मतलब इंद्रियों से भी नहीं जाने और इंद्रियों से जानने में भी नहीं आवे। अपन लोग इतना ही अर्थ करते हैं जो इंद्रियों से पार है, मन को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन इंद्रियों से भी पार है और मन का भी जो विषय नहीं उसे अतिंद्रिय कहते हैं। मतलब जिसमें इंद्रियों की प्रवृत्ति भी नहीं है और जिसमें मन की भी प्रवृत्ति नहीं है उसे अतिंद्रिय कहते। सुना था ये बात आपने कभी? बस इंद्रियों थी नहीं पकड़ा एनु नाम अतिंद्रिय, यह अधूरी व्याख्या है। इसलिए मैंने आपसे पूछा अतिंद्रिय का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग। देखो यही इतना समझ दो, सरलता से स्वीकार करो, करना चाहिए, अपने अज्ञान का हमें स्वीकार करना चाहिए। अतिंद्रिय का अर्थ एक होता है इंद्रियों से पार, इंद्रियों से जो न जाने, इंद्रियों से जानने में नहीं आवे, और मन अनिंद्रिय, अनिंद्रिय से भी जो पार है, मन से भी जो पार है उसका नाम अनिंद्रिय, अतिंद्रिय। मतलब इंद्रिय और इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय, इन दोनों के बिना ही आत्म साक्षात्कार से जो जानता है उसे कहते हैं अति। अगुरु तो नहीं पढ़तो ने, हाँ आ कोई कथा नहीं है, आत्मानी कथा छे। हाँ नींद तो आएगी, इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ जो विषय है वो तो मैं पिरसूंगा आपके सामने, खाना हो तो खाओ नहीं तो घर बेगा थाओ, हम तो घर बेगा छे हम तो। हाँ एकाग्रता से सुनना आप। तो द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय, अनिंद्रिय से भी पार जो है वह अतिंद्रिय। अब देखिए पांच प्रकार के ज्ञान कहे जाते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, मतलब ज्ञान की पर्याय। जबकि ये पांच सम्यक ज्ञान कहलाते हैं, अपन सम्यक ज्ञान की ही बात करते हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, तीन को मिलाने से आठ ज्ञानोपयोग के प्रकार होते हैं, ज्ञानोपयोग के ये आठ प्रकार, उसमें पांच सम्यक हैं और तीन मिथ्या हैं। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो इंद्रिय और मन से ही प्रवृत्ति करते हैं, इंद्रिय और मन की ही सहायता से ये दोनों ज्ञान प्रवृत्तियां करती हैं, जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। देखो पांच ज्ञानों में उनके दो प्रकार, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो परोक्ष में आते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और प्रत्यक्ष में आते हैं अवधि, मन पर्यय और केवल। इंद्रिय और मन की मदद से जो जाने उसे परोक्ष कहते हैं। अक्ष मतलब इंद्रिय, पर मतलब जो अन्य है, अन्य इंद्रियों की मदद से जो जाने उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। सुना था परोक्ष ज्ञान की ऐसी व्याख्या सुनी थी आप लोगों ने, परोक्ष शब्द का जो मैंने पोस्टमार्टम किया, एक एक शब्द की गहराई ख्याल में होनी चाहिए। परोक्ष, पर मतलब अन्य, अक्ष मतलब इंद्रिय और मन, इंद्रिय और मन की मदद से जो ज्ञान जाने उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अप्रत्यक्ष, प्रति, प्रति मतलब टुवर्ड्स की ओर, अक्ष मतलब आत्मा, जो आत्म साक्षात्कार पूर्वक ही जानता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष है,
लेकिन प्रत्यक्ष का वहां अर्थ कोई आत्म साक्षात्कार मतलब अनुभूति नहीं लेना, मतलब इंद्रिय और मन की मदद के बिना जो आत्म साक्षात्कार पूर्वक, साक्षात्कार मतलब अनुभव नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं ध्यान से सुनना आप, आत्मा को ही निमित्त बना करके आत्मा से ही स्वयं से ही जो जानने की प्रवृत्ति होती है उसे अवधि ज्ञान, मन परेय ज्ञान और केवल ज्ञान कहते हैं। तो तीनों प्रत्यक्ष है, लेकिन तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान में भी दो भेद हैं, एक एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की मर्यादा को लेकर के जाने उसे कहते हैं एक देश प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान ऐसा ही जानता है, समझ गए आप लोग, अवधि ज्ञान ऐसा ही जानता है, पहले नरक का नारकी है तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब बाउंडेशन उसकी नक्की है। अवधि, अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान क्यों कहते हैं, अवधि मतलब मर्यादा। तो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के ही जानेगा उसे कहते हैं अवधि ज्ञान, वो एक देश है। ऐसे ही मन परेय ज्ञान भी एक देश है, सर्वदेश नहीं है, वो लोकालोक को जानता है मन परेय ज्ञान। अरे बोलो, हाँ हाँ ना कहीं कहो, मन परेय ज्ञान लोकालोक ने जाने नहीं ने, तो एक देश से। तो मन परेय ज्ञान भी प्रत्यक्ष होने पर भी एक देश है। अब आ गई बात केवल ज्ञान की, तो कहते हैं केवल ज्ञान जो है वो सर्व देश प्रत्यक्ष है, सबको जानेगा, सभी काल में जानेगा, सभी भावों को जानेगा, हाँ सर्व सर्वत्र, सर्व सर्वत्र सर्वदा अनेक सर्वथा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान जानेगा। तो न्याय के ग्रंथों में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परेय ज्ञान, इन संबंधी प्रश्नोत्तरों को करते 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 जब सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान की बात आई तो सामने वाले ने प्रश्न उठाया, ऐसा हो ही नहीं सकता है बिना इंद्रियों की मदद से, बिना मन की मदद के जो सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जाने, ऐसा पारमार्थिक परम प्रत्यक्ष ऐसा कोई ज्ञान, सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, सर्व केवल ज्ञान मतलब सर्वज्ञता, केवल ज्ञान मतलब सर्वज्ञता, ऐसी कोई सर्वज्ञता, ऐसा कोई केवल ज्ञान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, ऐसा सामने वाले ने प्रश्न उठाया। उसके जवाब में जो आचार्य ने जवाब दिया उस जवाब का नाम है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। कितनी लंबी रामायण की बात मुझे करनी पड़ी अभी आपके सामने, 15 मिनट पहले मैंने आपको ये शब्द बोला था सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, लेकिन 15 मिनट में आपको घुमा घुमा के कहां कहां से आए अपन, विचार करो, इंद्रिय कर्मेंद्रिय भावेंद्रिय कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय अनिंद्रिय अतिंद्रिय, ऐसा है। रेडीमेड जब रोटी अपनी थाली में आती है ना तो रोटी कैसी बनती है उसकी हमें मेहमान ही आती है वकील साहब, हाँ अत्यारे हूं जे कई कहूं छू ने 20-25 मिनट थी ये बधु जयपुर नी 8-10 वर्ष नी कमाणी छे आ, અને બિલકુલ ઠોસ મગજમાં બેસી ગયેલો વિષય છે, ઇસમે જરા ભી ઢીલા પોછાપના નહીં ચલતા હૈ, ન્યાય હૈ, જૈન ન્યાય કા વિષય હૈ, મારો તો અભિમાન ગર્વની વાત છે વકીલ સાહેબ, હું જ્યારે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં જયપુરમાં ભણતો, 12th એટલે 12મા ધોરણમાં,
त्यारे 11મા ધોરણના સ્ટુડન્ટ્સને વ્યાકરણ અને જૈન ન્યાય ભણાવવાનો મને લાવો મળતો. એમ દર વર્ષે પછી શાસ્ત્રી ફર્સ્ટ યરમાં ગયા તો 12મા ધોરણમાં પરીક્ષા મુખ અમે ભણીને આવ્યા હતા તો હું શાસ્ત્રી ફર્સ્ટ યરમાં હતો તો જુનિયર વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા મુખ ભણાવતો. ન્યાયદીપિકા આ જે હતો એ ન્યાયદીપિકા હું ભણાવતો. એવી રીતે અભ્યાસ કરાવી કરાવીને એનો અભ્યાસ પૂરેપૂરો ઊંડાણથી બધું આપણે કરીને બેઠા છે. બહુ બહુ અદભુત અમૃત જેવો વિષય છે. આ ગુરુદેવશ્રી નથી કેતા હળદરના ગાંઠીએ ગાંધી ન થવાય, હળદરના ગાંઠીએ કઈ ગાંધી ન થાય. આ તો અધ્યાત્મ, ન્યાય, દર્શન, વ્યાકરણ, આ બહુ અદભુત તપસ્યાનું કામ છે. આપણને એમ મેં એક વખત કીધું હતું ને, લોયર જુદા, એડવોકેટ જુદા, બેરિસ્ટર જુદા, અને ચોથો કીધો તો શું નામ, રાષ્ટ્રપતિ નો ચુનાવ કરે ને શું કહેવાય ને, ચોથો એક શબ્દ મેં કીધો તો બહુ સારો શબ્દ છે, વકીલ સાહેબ ને આવડતું જ હોય. વકીલ જુદા, એડવોકેટ જુદા, લોયર, એડવોકેટ અને બેરિસ્ટર, અને હજી એક છે જે રાષ્ટ્રપતિ નો ચુનાવ કરે છે, મને યાદ નથી આવતો. બહુ સરસ શબ્દ છે, ઘણાને આવડતું હોય. મેં કીધું પણ હતું. તો કહેવાનો અર્થ એવું છે કે વકીલ સાહેબ તમે બોલો તો તમને આવડે છે ને, એક મિનિટ. હા બોલો વકીલ સાહેબ બોલો. એટર્ની જનરલ. હા એટર્ની જનરલ, હા બસ ઈ જો એની વાત આપણે કરી, એટર્ની જનરલ. હા બોલો ભાઈ, બધા વકાલત નું જ ભણેલા હોય છે. ચારે ચાર ચારે ચાર માં ડિગ્રીઓ જુદા જુદા છે કે નહીં, ચારે ચાર નું નોલેજ ડેપ જુદું છે કે નહીં. નિશાળ માં ભણાવનારા શિક્ષક બાળકોને એમ ભણાવે, ગાંધીજી તો વકાલત નું ભણીને આવ્યા હતા પણ બેરિસ્ટર થઈને આવ્યા હતા. બેરિસ્ટર થઈને આવ્યા હતા. તો આ બધી બાબતો, એક દરેક નું એક લેવલ હોય છે, દરેક નું એક ડેપ્થ હોય છે. તો આ ન્યાય નો જબરદસ્ત વિષય છે. તો અન્ય મત વાળા એ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા, હોય જ નહીં ને આવો જે સકળ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન, એ હોય જ નહીં. તમને હું ન્યાય દીપિકા માંથી જ કાઢીને બતાવું. જો મારી પાસે છે ન્યાય દીપિકા પણ છે, બહુ અદભુત છે, બહુ અદભુત છે. મારું તો આમ હૃદય એટલો પ્રફુલ્લિત થાય ને આ વિષય ઉપર જયારે હું વિચારતો હોઉં ત્યારે. કદાચ આમાં છે કે નહીં, હશે તો વધારે સારું, ન હોય તો પછી મારે તમને ઉમાથી કાઢીને બતાવવું પડશે. ગ્રંથો તો આમાં ઘણા છે. હા છે છે, જો કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ. હા જો આ ન્યાય દીપિકા, હા કેટલા ભાગ્યશાળી છો વિચાર કરો આપ સૌ. આમાં જો હું તમને સંસ્કૃત ઓરિજિનલ માંથી કાઢીને બતાવું. જો એવું આમાં, તત્ પ્રત્યક્ષમ દ્વિવિધમ સામ વ્યવહારિક પ્રત્યક્ષમ પારમાર્થિકમ ચ ઇતિ તત્ર દેશતો વિશદમ સામ વ્યવહારિક પ્રત્યક્ષમ. મેં જાણી જોઈને આપણે સામ વ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ ની વાત અત્યારે કરી નથી, પણ આગળ આપને ખાસ કરીને જે પરમ પ્રત્યક્ષ ની જે વાત છે, જો સર્વતો વિશદમ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષમ, સંપૂર્ણ રીતે બધાય ને જે વિશદ જાણે તેને પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ એટલે કેવળ જ્ઞાન. યદ જ્ઞાનમ સાકલ્યેન, સાકલ્યેન એટલે સર્વને સ્પષ્ટમ, બરાબર સ્પષ્ટમ, પછી તત પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષમ મુખ્ય પ્રત્યક્ષમ ઇતિ, તો એને મુખ્ય પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. તદ દ્વિવિધમ, એના બે પ્રકાર, વિકલમ સકલમ ચ, વિકલ પ્રત્યક્ષ અને સકલ પ્રત્યક્ષ. તો આગળ જો, તત્ર કતિપય વિષયમ વિકલમ, કેટલાક વિષયોને જે જાણે એને વિકલ પ્રત્યક્ષ કહેવાય. તદપી દ્વિવિધમ, એ પણ બે પ્રકારના છે,
अवधि ज्ञानम मन पर्याय ज्ञानम, जो अवधि ज्ञान ने मन पर्याय हवे आगळ વધીએ હું તમને હવે જો સર્વ દ્રવ્ય પર્યાય વિષયમ સકલમ અહીંયા આવ્યું કેવળ જ્ઞાન નો વિષય સર્વ દ્રવ્ય ને એમની પર્યાયો ને જે જાણે તો હિન્દીમાં પણ લખેલું છે સમસ્ત દ્રવ્યો ઓર ઉનકી સમસ્ત પર્યાયો કો જાણને વાલે જ્ઞાન કો સકલ પ્રત્યક્ષ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહેતે હે વહ સકલ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનાવરણ આદિ ગાતિયા કર્મો કે સંપૂર્ણ નાશ સે ઉત્પન્ન કેવલ જ્ઞાન હી હે હવે હવે આવી રીતે મીમાંસા આગળ આવશે પછી એમાં પ્રશ્ન શરૂ થશે બરાબર જામા બધા નનુ આ નનુ અસ્તુ કેવલસ્ય પારમાર્થિકમ પારમાર્થિકત્વમ અવધિ મન પર્યયો ન યુક્તમ એકલત્વાતિતિ આવી રીતે બધા પ્રશ્નોત્તરી કરી કરીને કે આવું કોઈ કેવળ જ્ઞાન હોય જ નહીં એવી બધી ચર્ચા એમાં આગળ બહુ વિસ્તારથી આવશે એટલે આ તો મહિના બે મહિના છ મહિના આઠ મહિના શાંતિથી આ વિષયને આપણે ભણીએ હા અરે કેવળી શબ્દ સાંભળતા કેવળ જ્ઞાન શબ્દ સાંભળતા દુનિયાભરનો જગતનો આપણા જૈન જગતનો ન્યાય આપણને યાદ આવવો જોઈએ હા સકલ પ્રત્યક્ષ બોલો ચશ્મા વિના આંખ જોઈ ન શકે પણ આંખ વિના આત્માને ઓળખી શકીએ શું કીધું ચશ્મા વિના જોઈ ન શકીએ પણ ચશ્મા વિના આત્માને ઓળખી શકીએ આમ આવું છે બહુ અદ્ભુત વસ્તુ છે આ આ જીવનમાં ખરેખર જે આપણી બધાની જે ઇન્દ્રિયની પરાધીનતા છે ને એ ઇન્દ્રિયની પરાધીનતા આપણને બધી રીતે પારકાપણું કરીને રાખ્યું છે અત્યારે બહુ જીવનમાં સમજવા જેવું છે હા આના વિના નહીં ચાલે આના વિના નહીં ચાલે આના વિના નહીં ચાલે કોરોનાએ કેટલું શીખવાડ્યું આપણને દોઢ વર્ષથી સાગ વિના ચાલે અને સગા વિના ચાલે સગાઈ ગયા અને સાગે ગયો હા સગા વિના ચાલે અને સાગ વિના ચાલે અને બંગલા વિના ચાલે બોલો ચાલશે ફાવશે અને ફાવશે કરી દીધા કે નહીં આવું છે આ જીવને જયારે ચલાવવાનો વારો આવે ને ચલાવવું જ પડે આને હા સમજાય છે તડકામાંથી નીકળે તો છત્રી હોય ને તો એમ લાગે કુલુ મનાલીમાં ફરીએ છીએ અને ઘરમાં ગરમી હોય ને તો એસી ચાલુ હોય તો પરસેવાથી રેપઝેપ થાય ગરમી છે નહી ક્રોધ ની ગુસ્સા ની સમજાય છે એટલે બધું બહુ જીવનમાં સમજવા જેવું છે તો આ સકલ પ્રત્યક્ષના સંદર્ભમાં કેવળ જ્ઞાનના સંદર્ભમાં સર્વજ્ઞતાના સંદર્ભમાં આ પ્રશ્ન ઉભો થયો ખ્યાલમાં આવ્યો આવું કોઈ કેવળ જ્ઞાન હોય જ નહીં તો પછી અમારા ભગવાન નથી તો તમારા ભગવાન કેમ હોય એ આખો વિષય વિશેષ સર્વજ્ઞ સિદ્ધિમાં છે સર્વજ્ઞતા નામની કોઈ વસ્તુ વિશ્વમાં છે એવું કેવળ જ્ઞાન છે એની સત્તા સિદ્ધ કરવી એનું નામ સામાન્ય સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ શું કીધું સામાન્ય સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ અને એવી સર્વજ્ઞતા અરહંત ભગવાનમાં જ હોય છે અન્યમાં નથી હોતી આવી રીતે સિદ્ધિ કરવી એનું નામ વિશેષ સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ પહેલા આટલી વાત સમજાય છે તમને બધાને હા પહેલા આવી સર્વજ્ઞતા છે એ માનો આવું કોઈ કેવળ જ્ઞાન છે એવું માનો પરમ અતિન્દ્રિય પારમાર્થિક જ્ઞાન છે એવું માનો માન્યા તો ચલો સ્વીકાર થયું આપણને સામાન્ય સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ ઓકે આ તો હાથ ઉપર હથેળી પર રાખી મૂકેલ આંબળાની જેમ છે બરોબર હવે ઓલા વળી પાછા સામે વાળા માથાકૂટ કરે તો તમે તમારા જ ભગવાનને હું કામ કહો છો અમારા ભગવાનને તમે સર્વજ્ઞ ના કહો પછી વળી વાત આવી
कि भाई अरहंत भगवान नाज वचन परस्पर विरोध रहित छे। सत्ता स्वरूप में छेले विषय आपणे लीधेलू छे, प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमान थी एमना वचनों मां क्यांय कोई विरोध नथी। माटे अरहंत भगवान ज सर्वज्ञ छे। ख्याल में आयो? तेओ सर्वज्ञ छे एटले तेमनी वाणी साची छे, तेओ वीतरागी छे एटले तेमनी वाणी राग देश थी रहित छे। ख्याल में आयो? माटे जे सर्वज्ञ ने हितोपदेशी होय, सर्वज्ञ ने वीतरागी होय, तेवो ज सर्वज्ञ होय, तो एवा कोण छे? तो कहे छे के अरहंत भगवान छे। तो अरहंत भगवान ज सर्वज्ञ छे एवो सिद्ध करू एनो नाम विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। आजना स्वाध्याय मां तमने केवल बे शब्दो पण समझाए गया होय ने तो समझी लेवानु महाभाग्यशाली छे। पारमार्थिक द्रव्य क्षेत्र काल भाव नु बंधन राख्या विना आत्म साक्षात्कार पूर्वक जाननारी एवी ज्ञाननी शक्ति छे 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 अने छे। एवो स्वीकार आयो थयो तो समझी लेवानो सामान्य सर्वज्ञनी सिद्धि आपड़ा हृदय मां स्थपण। ख्याल में आयो? અને અન્ય કોઈમાં પણ એવું એવી સર્વજ્ઞતા, એવું કેવળ જ્ઞાન, એવું પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું સંભવ જ નથી, તે કેવળ અરહંત ભગવાનમાં જ હોય છે। કેમ કે અરહંત ભગવાન જ સાચા સર્વજ્ઞને હિતોપદેશી છે, વીતરાગી અને હિતોપદેશી છે, એવી રીતે અરહંત ભગવાનમાં જ એવી સર્વજ્ઞતા સંભવે એવો સ્વીકાર થયે સમજી લેવાનો વિશેષ સર્વજ્ઞતાની વાત ખ્યાલમાં આવી। બાકી પક્ષ રાખીને અમે હાચા, અમારો ઝંડો એમ નહીં, ઈ તો પછી રાગદેશ થયું। ખ્યાલમાં આવ્યું? ઈ તો રાગદેશ થયું પછી। આ બહુ ગજબ ગજબની વાતો છે। અમારા અરહંત ભગવાન મહાન કેમ કેમ કે એમનો સમોશરણ ભરાય છે, એમના પંચ કલ્યાણકો થાય છે, સ્વર્ગમાંથી દેવો આવે છે, આ બધો પક્ષ રાખીને વીતરાગી ભગવાનને માનવાની માન્યતા ટોડરમલજી સાહેબની ભાષામાં કહીએ તો વ્યવહારાભાસીની માન્યતા છે, દેવ સંબંધી અન્યથા પણ છે। આ તો તલવારની ધાર છે, જરીક પણ ચૂક્યા એટલે મર્યા। ચલો, આટલી સરસ ગહેન ગંભીર ચર્ચા આપણી પૂરી થઈ। હું વિરામ તરફ આગળ વધું છું। બે શબ્દો ફરી ફરી પૂછું છું, કયા બે શબ્દો સંબંધી આપણે વાત કરી? સામાન્ય સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ અને વિશેષ સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ। આજે આપણે પાળ બાંધી છે, કાલે કુઓ ખોદશું, પરમ દિવસે આપણે પછી ડૂબકી મારશું। અને હજી મેં કીધું છે, હજી બે ચાર છ મહિના સુધી આ વિષય ચાલશે, એટલો જબરદસ્ત વિષય છે। અને આ વિષય જો તમને ખ્યાલમાં આવશે ને તો પ્રવચન સાર ગ્રંથનો મહિમા આવશે, એવડી ગજબની વિશ્વ વ્યવસ્થા। હા, સર્વજ્ઞતાનો મહિમા આવ્યા વિના અરહંત ભગવાનનો મહિમા નહીં આવે, અને અરહંત ભગવાનનો મહિમા આવ્યા વિના વસ્તુ સ્વરૂપનો મહિમા જ નહીં આવે। ખ્યાલમાં આવ્યું? આવું બધું એકબીજા સાથે સંકળાયેલી બાબતો છે। તો આપણે એક ભક્તિ સાથે, આનંદ સાથે આપણે વિરામ તરફ આગળ વધીએ। શ્રૃંગાર શ્રૃંગાર
मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा चूड़ा मणि तो रागी माने सतशास्त्र श्रवण है करणों का कुंडल तो अज्ञानी जाने हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में सुगुणों की माला भूषण कर पात्र दान से शोभित हो कंगन हथ फूल तो है दूषण जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यही रह जाएगी जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विनशाएगी जो नाक में नथुनी पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती है जो कमर कर धनी से सुंदर माने उस सम है मूढ़ नहीं जो कमर ध्यान में कसी गई उससे सुंदर है नहीं कहीं पैरों में पायल ध्वनि करती वे अंतर द्वंद बताती हैं जो चरण चरण की ओर बढ़े उनके सन्मुख शर्माती हैं जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है पर सच पूछो उनके अंदर आत्म का रूप सिसकता है जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार ज्ञानांबर को धारण करता अत्यंत मलिन रागांबर तज सुंदर शिव रूप प्रकट करता
स्वयं विचरती शिव मग में, वह समव शरण में सिंहासन पर गगन मध्य शोभित होता। रत्न त्रय के भूषण पहने अपनी प्रभुता प्रगटाता, पर जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गहे सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।